विद्या की देवी माँ शारदे की पूजा अर्चना को लेकर चहल पहल शुरू हो गई। हालांकि अभी उसमें विलंब है, लेकिन मूर्तियों को जो रंग रोगन का रूप है वो दिया जा रहा है। इससे संबंधित जो शिल्पकार है, जो मूर्ति बनाते हैं, जो सरस्वती देवी की मूर्ति बनाते हैं, इसमें कुछ लोग जुड़े हुए रहते हैं जो हर साल मूर्तियां बनाते हैं और बेचते हैं। इसी मूर्ति के सहारे स्कूलों में, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जो है पूजा अर्चना होती है। इसको लेकर छात्र छात्राओं में खासकर बहुत ही चहल पहल देखी जाती है, काफ़ी सक्रियता रहती है। लेकिन इस बार मूर्ति कला के जानकार जो हैं, जो इन मूर्तियों को बनाते हैं, उसमें थोड़ी सी मायूसी है, क्योंकि कोरोना की वजह से शिक्षण संस्थान जो है उन्हें बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में मूर्ति कला के जो माहिर लोग हैं, जो मूर्ति बनाते हैं और वही उसके जीविकोपार्जन का मुख्य अंग है, तो ऐसे में उन मूर्ति कलाकारों पर क्या गुजर रही है, किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, इस बात को आज हम समझेंगे। हमारे साथ हैं गोपाल जी, जो बरसों से पुश्तैनी धंधा को संजोए हुए हैं और बरसों से मूर्ति बनाते हैं, बेचते हैं, और उन्हें इस बार काफ़ी मायूसी है क्योंकि मूर्तियां बिक नहीं रही हैं। उस स्थिति में ये क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करते हैं। बताइए क्या स्थिति है मूर्तियों की? आठवा दसवां से नीचा बच्चा सब वाला इसकुल जो बंद भए गेल छै, एहि खातिर हमरो के बहुत दिक्कत भए रहल छै। मूर्ति उतना ज्यादा बिक नहि रहल छै, जे हरेक बार बिकै रहै ओहिमे दिक्कत छै, ओहिमे दिक्कत छै। आओर बार के मने जे रहै रुनक ओ अब जे नहि छै। इसकुल बंद है सब फरक? जी जी हाँ, इसकुल बंद है सब फरक भेलैया। पहले जे समय में स्कूल बंद नहीं रहे, कते मूर्ति बिक? लगभग हमरो उसका 350-400 पीस मूर्ति बना के बेचित रही हर एक बार एतः, लेकिन फर्स्टे छे जे 150 मूर्ति नहीं बिक पाई है। नहीं बिक रहा है? एडवांस नहीं है? नहीं नहीं, बहुत मूर्ति में एडवांस नहीं आया। कितना मूर्ति बना है? 150। 150 मूर्ति? जी जी जी। इसमें कितना बिकने वाला है? वो लगभग से लगभग 91 मूर्ति उम्मीद तो हमरो बुक भए गेलै कम पैसा में, ज्यादा मने। अच्छा, मूर्तियों के दाम क्या? दाम में सबसे नीचा 500 टका, ऊपर जे छे से 2100-1800, ई रेंज के मूर्ति लगभग हमरा पास 100 छे। ओकर बाद 1000 रुपया वाला 25, आ कम से कम 3000 वाला जे छे वो 10 मूर्ति बनल छे, 15 मूर्ति बनल छे 10000 वाला। हाँ, 150 में यह पीस। अधिकांश किस तरह के खरीदार आते हैं? ज़्यादा तो 100 छोटा, मीडियम मैंने जना 500, 1000, 1500, 1800 तक। अच्छा, कितना दिन लगता है मूर्ति? दो महीना कम से कम। दो महीना? हाँ, दो महीना। दो महीना पहले से मेहनत करते हैं? जी 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 जी। देखिए, यहाँ पर चंद तरह की मूर्तियाँ हैं, काफ़ी सारी छोटी मूर्तियाँ हैं, बड़ी मूर्तियाँ भी। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए कितने सारे आकर्षक मूर्तियां हैं। बताया जाता है कि जो बड़ी मूर्तियां हैं वो 5 से 10 हज़ार में भी बिक जाती हैं। जाता है कि जो बड़ी मूर्तियां हैं वो 5 से 10 हज़ार में भी बिक जाती हैं, और जो छोटी मूर्तियां हैं वो कम में भी 500 तक की मूर्तियां हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन कारीगरों को कितना समय लगता होगा इन मूर्तियों को बनाने में। कहते हैं कि लगभग 1.5 से 2 महीना लग जाता है। दिन रात की मेहनत के बाद मिट्टी को माँ शारदे का शक्ल दिया जाता है, और इसमें काफ़ी मेहनत होता है। पूरे परिवार के लोग इनको बनाते हैं और बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, ताकि आकर्षक ढंग से उसको सजाया जा सके। और छात्र जो है वो आते हैं, और जो शैक्षणिक संस्थान है वहां से बच्चे आते हैं और मूर्तियों को खरीदते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के कारण जो जो ये शैक्षणिक संस्थान बंद हुई है, उसके चलते इन मूर्तिकारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद ये जताया जा रहा है कि ये लोग कहते हैं कि अन्य वर्षों में 150-200 मूर्तियां बिक जाती थी, लेकिन इस वर्ष चूंकि कोरोना के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद है, लिहाजा मुश्किल से 100 मूर्तियां ही बिक पाएगी। ऐसे में जो उनकी मजदूरी है, जो दिन रात का मेहनत है, पूंजी लगाए हैं, वो भी ऊपर होना उनके लिए भारी मुश्किल का काम हो गया है। छोटी छोटी मूर्तियाँ हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कारीगर हैं, उनसे और सारी बात पूछेंगे हम। ये बताइए, जो कितने लोग इसमें काम करते हैं? लगभग मिस्त्री रैंक में तो हम अकेला मैंने है, और मिस्त्री सब है, ओकर बाद स्टाफ
तीनटा बराबर रहै छै मजदूर। हाँ मजदूर रहै छै। तऽ दू महीना से लगातार? हाँ दू महीना से लगातार काम चलै रहै। अच्छा जे मूर्ति बच जेतै ओकरा की कयल जेतै? ओकर पूजा कयल जाइ छै एहि जगह पर। हाँ हाँ विसर्जन कयल जाइ छै, हुनका छोड़ि कऽ भागल नहि जाइ छै, उनका पूजा कए कऽ विसर्जन कए कऽ। तब अगर अधिक मूर्ति बच जाती है तो फिर तो आपको घाटा लगने की संभावना? फिर हमरो जगह तो नहीं छे उतना, जे राखि सकै छी तऽ भाड़ा पर छियै, जगह वाला तऽ कहते खाली करो। ये घर जो बना है भाड़े का? भाड़े का है। कितना भाड़ा लगता है? 15,000 में लिए हैं मंडल जी से, योग बाबू से। 15,000? जी 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 जी। ये 2 महीने का? हाँ 2 महीना। इसमें अभी कितना मूर्ति बना हुआ है? 150। जो मूर्तियां बच जाएगी उसका यहीं पर विधिवत? हाँ 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 विधिवत पूजा के बाद विसर्जन कर देंगे। तो क्या चाहते हैं सरकार से ये बताइए? शैक्षणिक संस्थान बंद है इसीलिए मूर्ति नहीं बिकेगी, तो क्या आप अपील करना चाहते हैं सरकार से ये बताइए? कुछ लोन तोन मिल जाए फिर चुका देंगे हम। चुका देंगे? हाँ स्टाफ सबको थोड़ा बहुत देना उना है, बस यही है। मूर्तियाँ नहीं बिकेगी तो कर्ज हो जाएगा? कर्ज हो जाएगा, ये दिक्कत है। तो अभी जो आते हैं मूर्ति खरीदने के लिए वो नगद पैसा दे जाते हैं या फिर उधारी या किसी तरह की? नहीं 1800 में जब मूर्ति बुक करता हूँ लोग विद्यार्थी सब उसमें 200 रुपया दे के जाता है। ये डर है जो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम पूजा छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ नहीं करेंगे पूजा, बढ़ जाएगा तब करोने के लिए तो दिक्कत है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था। हाँ अच्छा ये रोजी रोटी का मुख्य साधन यही है या और कुछ काम? जी नहीं हमारा पास यही साधन है सबसे। हाँ सबसे पता लगा लीजिए गोपाल नाम का मिस्त्री मूर्ति वाला जो है उनका यही धंधा है, मूर्ति बनाता है। मतलब सरस्वती के बाद कौन चीज का मूर्ति बनाएंगे? ओ रामनवमी बनाएंगे। तो क्या चाहते हैं सरकार से ये बताइए? शैक्षणिक संस्थान बंद है इसीलिए मूर्ति नहीं बिकेगी, तो क्या आप अपील करना चाहते हैं सरकार से ये बताइए? कुछ लोन तोन मिल जाए फिर चुका देंगे हम। चुका देंगे? हाँ स्टाफ सबको थोड़ा बहुत देना उना है, बस यही है। मूर्तियाँ नहीं बिकेगी तो कर्ज हो जाएगा? कर्ज हो जाएगा, हाँ ये दिक्कत है। तो अभी जो आते हैं मूर्ति खरीदने के लिए वो नगद पैसा दे जाते हैं या फिर उधारी या किसी तरह की? नहीं 1800 में जब मूर्ति बुक करता हूँ लोग विद्यार्थी सब उसमें 200 रुपया दे के जाता है। ये डर है जो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम पूजा छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ नहीं करेंगे पूजा, बढ़ जाएगा तब करोने के लिए तो दिक्कत है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था। हाँ अच्छा ये रोजी रोटी का मुख्य साधन यही है या और कुछ काम? जी नहीं हमारा पास यही साधन है सबसे। हाँ सबसे पता लगा लीजिए गोपाल नाम का मिस्त्री मूर्ति वाला जो है उनका यही धंधा है, मूर्ति बनाता है। मतलब सरस्वती के बाद कौन चीज का मूर्ति बनाएंगे? ओ रामनवमी बनाएंगे, सीमेंट वाला हनुमान जी बनेगा, कहे पर कुछ बनेगा। मतलब जो जो ओकेजन त्योहार आता है उस हिसाब से? जी जी हाँ 12 मास, 1 महीना खाली नहीं है। जी नहीं लेकिन इस तरह का अगर लॉकडाउन आता है, कोरोना आता है तो इसमें तो आप लोग को परेशानी? हाँ तब बैठ जाएगा, तब नहीं कीजिए? नहीं तब नहीं काम करेंगे। फिर कौन सा रोजगार तब करेंगे? ऐबे नहीं करता है कोई रोजगार हम लोगों को, ऐबे नहीं करता है जी। नहीं मूर्ति मूर्ति बनेगा तो पेट चलेगा। कितने साल से आप मूर्ति बना? लगभग 3रा के बाद, 3रे क्लास से? जी जी जिस समय में वो एकटा मूर्ति पिपरा मिडिल स्कूल में आ एगो क्लब में आ एगो हाई स्कूल में वो लगभग 3रा के बाद हम बेचने छी, जेकि 8-8 आना पैसा दे के मूर्ति वो लोग मोल लेके रहे, वह शुरुआत छी सरस्वती जी के। अखनी लगभग 8 जगह मूर्ति बनल छै। लगभग 20-30 साल से बनाते होंगे? ज्यादा ज्यादा 35 साल से? हाँ कम 40 वर्ष। बिल्कुल विडंबना है ये, चूंकि कोरोना काल चल रहा है और जो पूजा पाठ है उस पर भीड़ भड़क्का नहीं हो इसके लिए सरकार का स्पष्ट रूप से गाइडलाइन है कि किसी तरह से भीड़ भाड़ नहीं हो, और इसको लेकर जो मूर्तिकार है उसके व्यवसाय पर व्यापक असर पड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ये लोग इस धंधा से जुड़े हुए और तमाम समय में रामनवमी का समय हो, विश्वकर्मा पूजा का समय हो, सरस्वती पूजा का समय हो, हर ओकेजन पे ये लोग मूर्ति बनाते हैं, चूंकि इनकी का ये पुश्तैनी धंधा है, लिहाजा ये लोग शुरुआती दौर से ही ये कहते हैं कि 3रा क्लास से ही ये अपने जो इनके अभिभावक हैं उनके साथ मूर्ति बनाते थे
और तब से आज तक बना रहे हैं, 30-40 साल से इस धंधा को संजोए हुए हैं, लेकिन इस धंधा पर इस बार कोरोना काल ने संकट गहरा दिया है, जिसके चलते इसके रोजगार पर व्यापक असर पड़ा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन लोगों की रोजी रोटी कैसे चले उसके लिए सोचे और इनको जो भी मदद होना चाहिए वो करना चाहिए, ताकि इनकी रोजी रोटी भी चलती रहिए और इनकी जो शिल्प कला है वो भी बरकरार रहे। कशिश के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा।